नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ था, कई सारे मामले यहां पर निकले। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का आज देवास जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरअसल हम कोरोना की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। देवास जो है इस वक्त सियासत के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की। दोनों ही दल देवास में जुट चुके हैं, बड़े ही जोर शोर से यहां पर अभियान का आगाज इन्होंने कर दिया है और कई सारे कार्यकर्ता और नेता जो है वो देवास में पहुंच चुके हैं और कई सारे नेता और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मां चामुंडा की नगरी देवास है और वहां से अभियान का आगाज जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किया है। किस तरह का यह अभियान है और किस तरह की सियासत यहां पर चल रही है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी नमन मटके से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नमन, किस तरह का यह अभियान है और बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरकार देवास ही क्यों चुना? जी देखिए, बिल्कुल, यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज होती चली जा रही है। चूंकि मिशन 2023 में दोनों ही दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जुटे हुए हैं और किस तरह से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी सरकार जो है बना सके, इसको लेकर के दोनों ही दल जो है प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि हम बात करें तो मिशन 2023 में जुटे दोनों ही दल अलग अलग अभियान इन दिनों प्रदेश में चला रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बूथ विस्तारक अभियान जो है प्रदेश में चला रही है। तो वही कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर घर घर चलो अभियान जो है चला रही है। और इन दोनों ही अभियानों की यदि हम बात करें तो इन दोनों ही अभियानों में एक बात जो है वो समानांतर रही, और वो बात ये रही कि दोनों ही अभियानों का जो आगाज है वो देवास से हुआ। यदि हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूथ विस्तारक अभियान का जो आगाज किया वो देवास के चिड़ावत से किया था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करें तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घर घर चलो अभियान का आगाज जो किया है वो देवास से किया है। तो कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखा जाए तो देवास जो है वो सियासत का हम कहें पावर सेंटर अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। और इसका सीधा कारण यह है कि यहाँ से लगातार जो है वो अलग अलग अभियान बीजेपी और कांग्रेस शुरू करते नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो इससे पहले साल 2018 में जो सियासत का गढ़ था, यानी जो पावर सेंटर था, वो था मंदसौर, और मंदसौर ने कहीं ना कहीं सियासत की तस्वीर बनाने में अपनी एक खास भूमिका भी अदा की थी। वहीं अब मिशन 2023 यानी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के देवास कहीं ना कहीं पावर सेंटर धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने अभियान जहां देवास से आगाज करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब आने वाले समय में सियासत का दाव भी देवास से चलने की तैयारी दोनों ही दल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नमन, देखा जा रहा है कि दिग्गजों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, कमलनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान, और दिग्गज और भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने कहा है कि हम बीजेपी की नाकामियां गिनाएंगे, तो क्या वाकई में कांग्रेस इसमें सफल रह पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल, यदि बात करें तो कांग्रेस ने इससे पहले भी कई अभियान चलाए हैं, कई तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं और लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करती आई है। लेकिन अब जो अभियान घर घर चलो अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है, इस अभियान के तहत जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगे, घर घर दस्तक दे करके जनता का हाल जानेंगे और साथ ही साथ बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता को बताएंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो कांग्रेस का ये अभियान साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस जिस प्रकार से अपने अभियान को पूरे प्रदेश में चलाती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को लेकर के जो है तैयार हैं, और इस तरह के अभियान से कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर दौड़ेगी जो मिशन 2023 को पूरा करने में कांग्रेस के लिए हम कहें तो मददगार साबित हो सकती है। यदि हम बात करें देवास की तो देवास जो है धीरे धीरे अब सियासत का पावर सेंटर बनता जा रहा है। यदि हम देवास की को देखें तो देवास जो है वो मालवा क्षेत्र का हिस्सा है और मालवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं देवास की सियासत जो है वो काफी मायने रखती है। यही कारण है कि देवास से दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ मालवा क्षेत्र में अपनी जो है बिसात बिछाने में कामयाब होते नजर आएंगे। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने अभियान का जो आगाज करने के लिए जिस शहर को चुना वो था देवास। देवास की यदि हम बात करें तो धार्मिक नगरी देवास है, यहाँ पर माँ चामुंडा की नगरी देवास कहलाती है, और साथ ही साथ देवास की जो सियासत है वो भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अपना खासा असर दिखाती है। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की नाकामियों को लेकर जमीनी स्तर पर उतर रही है, तो क्या बीजेपी के पास भी कुछ इस तरह का प्लान है कि कांग्रेसियों की नाकामियों को वो गिनाए?
अजय देखिए बिल्कुल, यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन वाली पार्टी कही जाती है। यदि हम कहें तो कार्यकर्ताओं का दम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से देखने मिला है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता के कदम अपने आगे बढ़ाती चली जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी अलग लेवल पर यहाँ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस अपना अभियान चला रही है, घर चलो घर घर चलो अभियान, उसी के हम कहें तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का भी बूथ विस्तारक अभियान जो है प्रदेश में चलता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वही कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की जो नाकामियां है वो जनता तक ले जाने के लिए घर घर जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नमन मटके, जिन्होंने तमाम जानकारी हमें दी है। हम आपको बता दें कि देवास की नगरी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अभियान का आरंभ जो है वो कर दिया है। अब इसी तरह की जो सियासत का जो सिलसिला है वो लगातार इसमें जारी रहेगा। तो एमपी न्यूज़ के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।